अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल ओवर ऑल बाय। आज क्या हाल है सबके। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ज़रूरी है। ये सनब्लॉक जो आप देख रहे हैं ना, इसका मैं रिव्यू दूंगी लास्ट में जब एंड आएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको स्पेशली बता दूँ कि सनब्लॉक क्या करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और हम कैसे चूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अक्सर जो है गलत सनब्लॉक ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत केमिकल टाइप होते हैं, जो बहुत हार्श होते हैं हमारी स्किन के लिए। तो हमें पहले सेलेक्ट करना है सही से कि कौन सा सनब्लॉक यूज़ करना है, कौन सा ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप तसल्ली से वीडियो देखें और चलें शुरू करते हैं। क्या करता है सनब्लॉक जो है, वो प्रोटेक्ट करता है स्किन अपेयरेंस को, ताकि आपको सनबर्न ना हो या प्री मेच्योर एजिंग ना हो, डिसकलरेशन ना हो, और स्किन कैंसर भी हो जाता है बहुत ज़्यादा धूप में रहने से। यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज क्या होती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सूरज से आती हैं और आपकी स्किन को डैमेज कर लेती हैं और आपको सनबर्न भी हो जाता है, ठीक है। तो सनब्लॉक जो है वो आपकी रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं इससे प्रोटेक्ट करता है। आपने चूज़ कैसे करना है? आपने चूज़ करना है SPF 30, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं तो आप SPF 60 यूज़ करेंगे। अच्छा, तो सनब्लॉक जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक केमिकल वाले होता है और एक मिनरल वाला होता है, ठीक है। केमिकल जो है वो आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है और इससे आपको जो है यूवी रेज जो है ना, आप यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मिनरल का क्या सीन है? मिनरल जो है वो आपकी जो आप सनब्लॉक लगाएंगे ना तो वो ऊपर ही रहता है और फिर वो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कोशिश करें कि आप जेंटल इंग्रेडिएंट्स लें, जैसे जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा ये आता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि मेकअप में भी लिखा होता है कि SPF जो है वो प्रोटेक्ट करेगा आपको, मतलब मेकअप में भी ये चीज़ है, तो वो प्रोटेक्ट नहीं करता। बेशक आपका मेकअप वाला बता रहा हो कि SPF 60 है जी, आप मेकअप के साथ आपको ये चीज़ भी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वाटर प्रूफ कोई सन ब्लॉक नहीं होता। आप लोगों को पता है मुझे अब कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्लास ली हो किसी की। चलिए अब आ जाते हैं रिव्यू की तरह। हार्बियन सन ब्लॉक है विद सनफ्लावर ऑयल, और वही जो एक अच्छे सनब्लॉक में होना चाहिए, इसमें सब कुछ है वो। लेकिन आई डोंट नो कि वाकई इंग्रेडिएंट्स में डले हुए हैं या एक्स्ट्रा केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने बगैर पूछे मेरे से लिया, मतलब बताए बगैर, तो उसके रंग पे बहुत अफेक्ट पड़ा, उसको एक्नी हो गई। तो कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड का लें और ख़ुद पे ट्राई करें। इसमें वाइट कास्ट नहीं है बिल्कुल भी, और ये दराज में भी ट्रेंडिंग में है क्योंकि 90 रुपीज़ की इसकी छोटी बॉटल है, इसलिए लोग लेते हैं। तो खैर, आपको मैं बता दूं, इस तरह आपने अप्लाई करना है, 3 उंगलियों में लेकर अपने इवनली फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको कुछ बेसिक्स बता दूँ, आपने सनब्लॉक जो है वो स्प्रे वाला यूज़ नहीं करना, वो हार्श होता है काफ़ी आपकी स्किन के लिए। दूसरा ये कि केमिकल्स देखें आप, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो अच्छे नहीं होते। अब मैं अपना हाथ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वाइट कास्ट नहीं है, वैसे का वैसा लग रहा है, लेकिन पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, नहीं नज़र आ रहा। खैर, उसके अलावा क्या होता है कि आपने इसको रीअप्लाई करना है दो घंटे के बाद। और क्या रह गया, और कुछ रह गया तो कमेंट में पूछिएगा। और हाँ जी, मेरा तो गिला रह ही गया। मैं आप लोगों की वजह से छोटी छोटी वीडियो बना रही थी कि आप पूरी देखेंगे, सुकून से देखेंगे। नहीं भाई, वो भी आपने स्किप करनी है। बाकी जो फेक यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, फेक बातें करें, लंबा लंबा खींच रहे, टू द पॉइंट बात नहीं करें, आप वो लोग देख रहे हैं, उन पर यकीन करें। लेकिन सच्चाई की तो आप लोगों को कदर नहीं है ना, देखा करें तसल्ली से और कसम से आपको फ़ायदा होगा। और सच का साथ दें, जो कि मैं सच बोलती हूँ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा अगर आपको कोई और वीडियो डिटेल में चाहिए होगी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।